आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, टर्की में जैन धर्म। वाह क्या बात। आप सोचिए कि जैनों का इतिहास आप सुन के दंग रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। पांच नदियों की जगह पंजाब, पाकिस्तान, आज जो मुल्तान है ना, वहां पे अपने शेठ बुलाकी दास हुए। वो जो मूल राजस्थान के थे और उन्होंने उस समय, उनका एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, तो उस समय टर्की और भारत के बहुत शानदार घनिष्ठ रिश्ते थे व्यापार के। तो वो एक बार अपने बिजनेस करने के लिए इस्तांबुल गए। ये समय है शाहजहां का, विक्रम की 17वीं शताब्दी का। और वे जब वहां गए ना, टर्की से यानी इस्तांबुल से 570 कोस यानी लगभग 1800 किलोमीटर बब्बर कोट के पास एक तारा तंबोल करके एक बहुत बड़ी जगह है। वो बिजनेस के लिए वहां गए तो वहां बड़े बड़े महल देख के वो चकित रह गए। उनमें जैन साधु देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। और वहां देखा उन्होंने जैन मंदिर बड़े बड़े। अब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है आपके यहाँ, आपके यहाँ बड़े बड़े आचार्य कौन है? तो बोले अभी यहाँ पे उदय प्रभ सूर्य जी महाराज साहब विराजमान है। उदय प्रभ सूर्य जी करके एक बहुत बड़े जैन संत आचार्य वहां पे, और पूरा नगर उनका अभिमान करता है और उनकी बातें सुनता है। उन्होंने अपना काम निपटाने के बाद पूरा वहां जब घूमे ना, तो जैन मंदिर, जैन पौषधशालाएं और जैन लाइब्रेरी, वो ताजुब रह गए कि ये क्या है। पर वो व्यक्ति इतने समझदार थे कि उन्होंने उस समय उसको उसको लगा कि ये स्थिति वापस मेरे को देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया और लिख के, आप सोचिए, प्रमाण किया अपने दिल्ली में रूपनगर कॉलोनी में शांतिनाथ भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर है। और शांतिनाथ भगवान के मंदिर में, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में वो हस्तलिखित वो पत्र पड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि टर्की में जैन धर्म था और वहां पे आचार्य उदय प्रभ सागर जी थे, इतने बड़े बड़े जैन उचल। उन्होंने मारवाड़ी में लिखा वो इस्तांबुल छे, यहाँ बब्बर कोट छे। अच्छा, ये बात हुई उस समय 450 साल पहले की। पिछले 150 साल पहले क्या हुआ, वहां पे वही जगह पे खुदाई हुई। तो खुदाई हुई तो वहां से जैनों की बुक्स निकली। क्या निकली? बुक्स। और एक बुक वहां से निकली तो एक ब्रिटिशर्स ने बुक परचेज की और वो बुक परचेज करके उसने कलकत्ता बेची। कलकत्ता में वो बुक बेची तो वो जो ब्रिटिश जो इतिहासकार थे हार्नेल, उन्होंने वो बुक पढ़ी और बुक के अंदर जब उन्होंने सब पढ़ा तो वो ताजुब रह गए। उसके बाद वहां पे 1700 जैनों की किताबें मिली है। क्या बात है। टर्की में कितनी? 17। आप सुन के ताजुब रह गए कि जितनी हिंदुस्तान में बुक्स नहीं मिली है उतनी तो खाली टर्की में मिली है। और वो सब बुक्स है ना, टोटल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान की जितनी भी जो वहां पे म्यूजियम्स है ना, वहां पे ये ऑलरेडी स्टोर्ड है। और ये क्या हुआ कि 1926 में एनसी मेहता ने किताब लिखी थी एशियाटिक लाइब्रेरी पेंटिंग्स। उस पेंटिंग्स में उन्होंने बकायदा वर्णन किया कि जर्मन्स ने लिखा कि टर्की में जो चित्र मिले हैं ना, वो बहुत सारी जैन स्टोरीज के ऊपर लिखी हुई है। तो ये जो जैन धर्म है ना, वो वैश्विक धर्म था और कहाँ कहाँ फैला हुआ था, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी, यानी पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे ना, एक जमाने में जैन धर्म का इतना प्रचार था कि जैसे कोई मुकाबला नहीं। बोलो जिन शासन देव की जय।